आज हम हिंदी अनिवार्य में आरो पुस्तक में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित काव्य पथिक के पदों का अध्ययन करेंगे। इसमें पद देखिए, जब गंभीरतम अर्धनिशा में, अर्धनिशा ने अर्धरात्रि में, आधी रात में, जग अने संसार को ढक लेता है अंतरिक्ष की छत पर, अंतरिक्ष अने आकाश, धरती और आकाश के बीच की जगह, छत पर तारों को छिटका देता है स स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, स स्मित वदन अने स स्मित अने मुस्कुराहट और वदन अने वंदना करना, मृदु गति से आता है, मृदु अने कोमल, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, गगन गंगा अने आकाश गंगा। तो इस पद में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब पथिक समुद्र के किनारे खड़ा है और समुद्र के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया है और वह अपनी प्रियतमा से कहता है, पथिक अपनी प्रियतमा से कहता है कि जब आधी रात हो जाती है, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, जब आधी रात हो जाती है तो चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है, तम अने अंधकार, और पूरा संसार इस घने अंधकार में छिप जाता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, तो उस समय वह आकाश रूपी छत तारों को बिखेर देता है, अर्थात आधी रात के अंधेरे में आकाश में तारे चमकते हैं। स स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तो कवि बताते हैं कि आकाश में स्थित आकाश गंगा में असंख्य तारे टिमटिमाने लगते हैं और वह कैसे सुंदर दिखाई देते हैं, तो उस समय संसार का स्वामी, जगत का स्वामी अने संसार का स्वामी सूर्य मुख पर हंसी, संसार के स्वामी सूर्य के मुख पर हंसी बिखर उठती है और वह मुस्कुराने लगता है और वह धीमी गति से, मृदु गति से आता है और वह अपनी धीमी गति से चलकर आता है, अर्थात सूर्य उदित होता है। जब आधी रात बीत जाती है तो संसार का स्वामी सूर्य मुस्कुराते हुए अपनी धीमी गति से उदित होता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है और वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर मीठी वाणी में गीत गा रहा हो। तो यहाँ पर कवि कल्पना करते हैं कि रात में छिपा हुआ सूर्य आकाश में तारों के सुंदर सौंदर्य से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा में मधुर गीत गाता हुआ धीरे धीरे उदित होता है, अर्थात सूर्योदय होता है। तो यहाँ पर कवि ने अर्धरात्रि के सौंदर्य के बारे में बताया है कि समुद्र के किनारे अर्धरात्रि के सौंदर्य में जब तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं तो उस समय सूर्य भी अपनी मुस्कुराहट बिखेरता हुआ उदित होता है। ठीक है, अब आगे वाला देखिए, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, विमुग्ध ने मोहित, नभ ने आकाश, चंद्र ने चंद्रमा, विहस ने हंस देना, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, विविध अने अनेक, तन अने शरीर को, सज लेना अने सुसज्जित कर लेना,
पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। हर्ष ने प्रसन्नता, मुग्ध ने मोहित हो जाना, चहक ने पक्षियों का चहकना या पक्षियों का बोलना चहकना कहलाता है। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। सानंद ने प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, महकना ने अपनी सुगंध बिखेर देना। कवि ने जैसे पिछले पद में बताया है ना कि अर्धरात्रि में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं और उसके सौंदर्य को देखकर क्या होता है, सूर्य धीमी गति से उदित होता है। तो यहाँ पर कवि ने इस पंक्ति में बताया है कि उससे ही विमुग्ध हो, उस सौंदर्य उदित होते हुए सौंदर्य से मोहित होकर आकाश में दिखाई देने वाला चंद्रमा भी मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। यानी रात्रि में सूर्य के उदित होने पर, रात्रि के बीच जाने पर सूर्य के उदित होने पर उसके मनोहर, उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर चंद्रमा भी आकाश में हंसने लगता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है और सूर्य के उदित होने पर वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, वृक्ष के पत्ते और फूल अपने शरीर को सजा लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही सूर्य उदित होता है तो पृथ्वी पर दिखाई देने वाले अनेक वृक्ष अपने पत्तों और फूलों से अपने शरीर को सुसज्जित कर लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। कवि कहते हैं कि इस सौंदर्य, सूर्य के उदित होते हुए सौंदर्य को देखकर पक्षी भी अपनी प्रसन्नता पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और वे मोहित होकर चहचहाने लगते हैं। यानी प्रातः काल होने पर पक्षी भी अपनी चहचहाट से प्रसन्नता व्यक्त कर लेते हैं। और यही नहीं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। केवल पक्षी ही नहीं बल्कि फूल भी सुख की सांस लेते हुए आनंद के साथ अपनी सुगंध बिखेरने लगते हैं। तो यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि सूर्य के उदित होने पर जो प्राकृतिक छटा, जो प्राकृतिक सौंदर्य बिखरता है, उसका वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। आगे देखिए, वन उपवन गिरी सानू कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। अब मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, पड़ो लहर तट तरण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। अब यहाँ पर उपवन ने उद्यान, वन ने जंगल, गिरी ने पर्वत, सानु ने समतल भूमि, कुंज ने वृक्षों का समूह, वृक्षों का घना समूह, मेघ ने बादल, आत्म प्रलय अने स्वयं को भूलना, नयन नीर अने आंसुओं का बहना, लहर समुद्र की लहर, तट अने किनारा, तरण अने तिनका, तरु अने वृक्ष, गिरी अने पर्वत, जलद जलद अने बादल, विश्व विमोहन हारी अने सारे विश्व को मनोहर लगने वाली, सारे विश्व को सुंदर लगने वाली। तो यहाँ पर पथिक अपने प्रियतमा को बता रहा है कि समुद्र के किनारे, समुद्र के तट का यह प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनोहर है। जैसे ही सूर्य उदित होता है, वन उद्यान पर्वत समतल भूमि और वृक्षों के समूह
समूह पर बादल पानी बरसाते हैं। तो यह दृश्य और भी सुंदर लगता है। कवि बताते हैं कि जब वन, उद्यान, पर्वत, समतल भूमि और घने वृक्षों के समूह पर आकाश से बादल जब पानी बरसाते हैं, तो यह दृश्य और भी सुंदर लगता है। कवि पथिक बताता है कि इस दृश्य की सुंदरता इतनी मनमोहक होती है कि पथिक अपने आप को भूलकर उसमें लीन हो जाता है। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। अने इस दृश्य को देखकर, इस सौंदर्य की मनमोहकता को देखकर पथिक अपने आप को भूलकर उसमें लीन होता है, हो जाता है, और उसके नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू टपकने लगते हैं। पड़ो लहर तट तृण, तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। समुद्र की लहरों, समुद्र के किनारों, तिनको, वृक्षों, पर्वत, आकाश, सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा बादलों पर संसार को मोहित करने वाला प्रकृति की जो सुंदर कहानी लिखी हुई है, तुम उसको पढ़कर देखो। पथिक यहाँ पर अपेक्षा करता है कि समुद्र की लहरें, समुद्र के किनारे, तिनको, पर्वत, वृक्ष, आकाश, सूर्य और चंद्रमा की किरणें और बादलों पर संसार का जो मोहित करने वाला प्राकृतिक सौंदर्य है, उसकी जो सुंदर कहानी है, तुम उसको पढ़कर देखो। अने कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति का प्रत्येक अंग सौंदर्य के कारण अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रहा है। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी, और प्राकृतिक सौंदर्य की यह जो कहानी है, प्रकृति का यह जो सौंदर्य है, यह सारे विश्व को, सारे संसार को मोहित करने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है। अब आगे देखिए, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी, जी में अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। यहाँ पर पथिक कहता है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु मनोहर है, सुंदर है, उज्जवल है। यह प्रेम कहानी और प्रकृति का यह जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हमें आकर्षित करता है, हमें मोहित करता है, यह प्रकृति के प्रति जो हमारा प्रेम है, वह हमेशा चलता रहता है। जी में है अक्षर बन इसके विश्व की बानी। पथिक के मन में इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर यही इच्छा उत्पन्न हो रही है कि वह भी इस प्रेम कथा के अक्षरों का रूप धारण करके संसार की वाणी बन जाए, विश्व की वाणी, यानी वह भी सारे संसार को इस प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताए। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति में जो पवित्र प्रेम है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसे वह अपनी बोली में समस्त संसार को सुनाए, क्योंकि प्रकृति का यह जो प्रेम है, वह स्थायी है, पवित्र है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर। कवि प्रकृति के इस प्राकृतिक सौंदर्य को सारे संसार को क्यों बताना चाहता है? क्योंकि यह प्रकृति का जो सौंदर्य है, वह प्रेम का सौंदर्य है, और यह अत्यंत सुंदर है। प्रकृति में जो
यह सौंदर्य भरा हुआ है। प्रेम का जो राज्य है यह अत्यंत सुंदर है, अतिशय सुंदर है। इसकी सुंदरता अनुपम है, इसकी सुंदरता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।